आखिर मैदान पर क्यों भड़के कप्तान रोहित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इन दिनों अहमदाबाद में वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहले और दूसरे दोनों ही वनडे मैचेस में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इसी बीच दूसरे वनडे मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा एक खिलाड़ी पर काफी गुस्सा करते हुए नजर आए और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कौन सा था वो खिलाड़ी जिस पर कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर गुस्सा करते हुए नजर आए। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 वनडे मैचेस की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 44 रनों से मात दी है। इसी के साथ ही भारतीय टीम अब सीरीज में 2-0 से आगे है। साथ ही रोहित शर्मा की भी शानदार कप्तानी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे वनडे मैच में एक समय ऐसा भी आया जब फैंस को रोहित शर्मा का विकराल रूप भी देखने को मिला। टीम इंडिया के एक खिलाड़ी पर रोहित शर्मा पूरी तरह भटक गए। दरअसल टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज की पारी के दौरान एक बार अपना आपा खो बैठे। दरअसल हुआ यूं कि वेस्टइंडीज की पारी के 45वें ओवर के दौरान रोहित शर्मा ने वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई। उस वक्त यूजी चहल मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। रोहित ने युजवेंद्र चहल को पीछे लॉन्ग ऑफ पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो सुस्त नजर आए। इस बात पर रोहित शर्मा बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने चहल को बीच मैदान पर ही डांट दिया। चहल को रोहित ने चिल्लाकर पीछे जाने के लिए कहा। रोहित ने चहल को डांटते हुए कहा कि पीछे जा, क्या हुआ तेरे को, भाग क्यों नहीं रहा है, चल उधर भाग। इसके बाद चहल पीछे चले गए। मैदान पर रोहित शर्मा का ऐसा रूप पहली बार देखने को मिला। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोहित को यूजी चहल के ऊपर चिल्लाते हुए साफ सुना जा सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 11 फरवरी को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।